तबाघाट लिपुलेख राष्ट्रीय राजमार्ग शुक्रवार देर शाम नजंग तांबा गांव के पास बंद हो गया। यहां एक पहाड़ी का बड़ा हिस्सा गिरने से नेशनल हाईवे बंद हो गया है। बताया जा रहा है कि आदि कैलाश मानसरोवर यात्रा मार्ग जो नजंग तांबा गांव से होकर जाता है, बंद होने से स्थानीय लोगों को सहित 40 यात्री फंसे हुए हैं। बताते कि चीन सीमा को जोड़ने वाले तबाघाट लिपुलेख हाईवे पर लखनपुर और नजंग के बीच पहाड़ी दरकने से भूस्खलन हुआ है। इस कारण सड़क यातायात के लिए फिर बंद हो गई है। चीन सीमा के निकटवर्ती गांव का जिला मुख्यालय से संपर्क कट गया है। वहीं चीन सीमा को जोड़ने वाली ये सड़क पिछले दिनों मलघाट में भी भूस्खलन के कारण बंद हो गई थी। वहीं आपको बता दें कि जिस समय नजंग तांबा गांव के पास पहाड़ गिरा, वहां अनेक यात्री मौजूद थे। यात्रियों ने अपने सामने पहाड़ को हाईवे के ऊपर गिरते देखा है। अच्छी बात यह है कि इस लैंडस्लाइड में कोई जनहानि नहीं हुई। लैंडस्लाइड से यात्रियों को बहुत परेशानी हो रही है। वहीं नेशनल हाईवे बंद होने के कारण इस मार्ग पर स्थानीय लोगों समेत 40 यात्री फंसे हुए हैं। इसके साथ ही पहाड़ी जैसे ही डही पूरा इलाका धूल के गुबार से भर गया और भारी मलबे से राष्ट्रीय राजमार्ग बंद हो गया। मौके पर मौजूद लोग इस दौरान डरे सहमे हुए थे। लोगों ने किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई। वहीं तबाघाट लिपुलेख राष्ट्रीय राजमार्ग बंद होने से व्यास घाटी समेत 7 गांव का संपर्क पिथौरागढ़ जिला मुख्यालय से कट गया है। एमके न्यूज की डेस्क रिपोर्ट।